हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं चिकन और आलू का खोरमा, जिसके लिए हमें चाहिए तिल, फली, खोपरा जो मैं कद्दूकश कर ली हूँ, खशखश, धनिया, साबित धनिया, साबित ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, शाजीरा, प्याज। इन सब मसालों को अच्छे से भून लें। फली को तवे पे अच्छे से भून लें, तवे पे या कढ़ाई में। इसको भूनने के बाद ठंडा करके इसका छिलका निकाल लें या ऐसे ही पीस लें। तिल को भी अच्छे से भून लें। खोपरे को भी भून लें। मसालों को जलने ना दें, अच्छे से भून लें सिर्फ। खशखश को अच्छे से एहतियात से भून लें, भूने क्योंकि ये जल्दी से जल जाती हैं। धीमी आंच पर भूने तो बेहतर है। इन सबको एक जार में डाल लें। ठंडा होने के बाद पीस लें। धनिया को, जीरे को भी भून लें। दो से ढाई चम्मच तेल ले लें कढ़ाई में। अब इसमें प्याज डालकर अच्छे से तल लें प्याज को लाल होने तक। शाजीरा, इलायची और दालचीनी चकला डालकर भी अच्छे से पीस लें। अब गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं अदरक लहसुन नमक हल्दी मिर्ची पाउडर से। अच्छे से मैरिनेट कर लें। अब एक भगोने में तेल ले लें, इसमें आलू तल कर निकाल लें। मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ और एक भगोने में गोश्त ले लें मैरिनेट किया हुआ। आलू तल रहे हैं तो थोड़ा इसमें डालकर तल लें चिकन को, और मसाले को भी अलग से भून लें अच्छे से। ये जल्दी से बन जाता है ऐसे करने से। हम अलग एक ही भगोने में भी कर सकते पर ऐसे करने से जल्दी बनता है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, भुने हुए मसाले। देखिए चिकन अच्छे से भुन गया है और मसाले भी
अब मसालों को गोश्त में ऐड कर लें। अब दही डाल लें। इसी वक्त आलू भी ऐड कर लें। कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब इस वक्त इसे थोड़ा सा अच्छे से पकने दें। ऊपर से तरी आ गई है, देखिए। अब इस वक्त सर्व करें, प्यार से पकाएं, प्यार से खिलाएं। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।